सो हेलो एवरीवन, आई एम सुशांत एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज वाली वीडियो ना यार, आपकी वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी क्यूसेट के ऊपर। तो इस वीडियो पे यार आपकी फुल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि काफी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में यार। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना यार, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आप ये लेना चाहते हो तो कौन से बच्चे इस डिपार्टमेंट को परस्यू कर सकते हैं, आगे फ्यूचर में इसका क्या स्कोप होगा, आपकी प्लेसमेंट जो लगेगी तो क्यूसेट से आपकी प्लेसमेंट किस तरह की हो सकती है, एवरेज सैलरी क्या होता है, और बहुत ही डिटेल में बात करेंगे यार कि और कौन कौन से कॉलेजेस हैं इंडिया में जिससे आप सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग ले सकते हो, और कितना वर्थ इट रहेगा ये कोर्स लेना। ठीक है, बहुत सारे आपके कॉमन सवाल होते हैं उसको भी देखेंगे, और लास्ट में हमने इस वीडियो में यार डिस्कस करा है कि कंप्यूटर साइंस एंड सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग, इसमें से आप कौन सा डिपार्टमेंट परस्यू कर सकते हो। तो अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं यार, तो उन सबको हमने ध्यान में रखते हुए इस स्लाइड को बनाया है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है यार जो कि आप सबके मन में आते हैं। तो पहला सवाल ये है कि क्या सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन है, राइट? और अगर मान लेते हैं एक अच्छा करियर ऑप्शन है तो उसकी एवरेज सैलरी क्या होती है? अगर हम एक फ्रेशर इंजीनियर है, अगर हम एक फ्रेशी सेफ्टी इंजीनियर है तो मेरी सैलरी क्या होगी, क्यूसेट से मेरी सैलरी क्या लग सकती है? अगला सवाल है कि अगर हम टफनेस की बात करें, कोर्स की टफनेस की बात करें, तो ये डिपार्टमेंट कितना टफ है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि सीएससी और सेफ्टी एंड फायर, इन दोनों में से कौन सा ब्रांच लेना सही होगा और कौन सा परस्यू करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि विच कॉलेज इज बेस्ट टू स्टडी बीई बीटेक इन सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग, राइट? अगर मान लेते कि मैंने ये कोर्स करा, मेरी जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, मुझे किस सेक्टर में जॉब मिल सकती है, What are the job opportunities for fire and safety engineers, right? Which are the entrance exam for admission to safety and fire courses? After then, अगला question होता है कि what is the average annual fee of college offering BE, BTech in fire and safety engineering? ठीक है, और एक बहुत ही common सवाल होता है जो कि आप में से काफी बच्चों के दिमाग में आता है कि क्या mathematics required है इस department को लेने के लिए। तो इन सारे सवाल का जवाब आपको इस video में मिलेगा यार, तो video को end तक देखो और one by one सारे parameters को सुनो कि किस तरह से हमने सारी चीज को एनालाइज किया है और किस तरह से आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कंटेंट पेज, जहां पे हम वन बाय वन आपको बताएंगे। तो पहला टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग। सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम कोर्स डिटेल को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस क्या होता है किसी कॉलेज का। ये वीडियो मेनली क्यूसेट को फोकस्ड है, लेकिन हमने बाकी भी डिटेल को इसमें कवर करने का ट्राई किया। लास्ट में हमने क्यूसेट को पूरा डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन बीच बीच में हमने पूरा जानकारी दी है, क्योंकि ये इंडिया में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जिसमें ये स्ट्रीम नहीं होता है, राइट? तो कुछ ही कॉलेजेस थे, इसलिए मैंने पूरा ही चीज को एक वीडियो में कवर करने का ट्राई किया है, राइट? नेक्स्ट पैरामीटर होगा आपका कि पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कौन से होते हैं बीटेक एंड सेफ्टी फायर इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, कौन कौन से कॉलेजेस जो है सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग परस्यू करवाते हैं बच्चों को, और क्यों चूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ कॉन्टेंट्स है यार, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो पहला पैरामीटर होगा हमारा व्हाट इज सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग। इसको समझो, सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग यार एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें कि मान लो कहीं पे भी फायर होती है, कहीं पे आग लग जाती है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उससे प्रिवेंट करो। वो चाहे लोगों को हो सकता है, चाहे वो किसी बिल्डिंग को हो सकता है। आपने कई दफा देखा होगा यार कि किसी जंगल में आग लग गई है, राइट? या फिर आपने कई बार देखा होगा कि किसी गांव में आग लग गया, या फिर किसी फैक्ट्रीज में आग लगते हुए आपने देखा होगा, राइट? आपने देखा आपका जो लैपटॉप है वो गर्म हो जाता है कभी कभी और उसमें आग लग जाती है। ठीक है, कोई टनल है उसमें आग लग जाती है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज ए सेफ्टी एंड फायर इंजीनियर कि आप कुछ सॉल्यूशंस निकालो, कुछ इन्वेंशंस करो जिससे कि आप फायर से लोगों को, प्रॉपर्टीज को, फैक्ट्रीज को, फॉरेस्ट को, इन सब को प्रिवेंट कर सको, राइट? तो इसमें यार इस डिपार्टमेंट में एकेडमिक्स को, करिकुलम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आपको कोई टूल बनाना है, आपको कुछ इन्वेंशन करना है ताकि इजिएस्ट वे एंड चीपेस्ट वे में आप फायर से प्रिवेंट कर सको। ठीक है, वो सारा कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब दूसरा पैरामीटर है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अगर मुझे क्यूसेट में या फिर किसी और कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे पहला चीज होता है कि आपको एक तो 10+2 क्वालिफाई करना पड़ेगा विद साइंस स्ट्रीम, राइट? द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द 10+2 एग्जामिनेशन अंडर साइंस स्ट्रीम
और सब्जेक्ट आपका क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। आपकी 10+2 में एग्रीगेट 50% या फिर उससे ज्यादा नंबर। उसके बाद है, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लियर एनी नेशनल और स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इनटू प्रीमियर यूनिवर्सिटीज। जैसे कि आपको क्यूसेट में लेना है तो आपको क्या करना होता है, क्यूसेट कैट का एग्जाम देना होता है। अगर मान लो कुछ एनआईटीज में अगर सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग, तो आपको जेई मेंस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो उस तरह से कुछ जो प्रीमियर यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उसके एडमिशन के लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने होते हैं, वो हम आगे किस लाइन में बताएंगे आपको। और क्यूसेट में अगर एडमिशन लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूसेट कैट का एग्जाम देना होता है और उसके रैंक के बेसिस पे सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में एडमिशन होती है, राइट। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखो, अब कोर्स सुटेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे कि किन बच्चों के लिए सुटेबल होगा और आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि आप सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग परस्यू कर सको, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला चीज होता है कि अगर मान लो आपके अंदर ऐसी कुछ इच्छा है कि आप अपने काम के थ्रू आप लोगों की लाइफ में कुछ इंपैक्ट डाल सको, लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सको, सोसाइटी के लिए कुछ काम कर सको, ठीक है, तो उस केस में आप इस डिपार्टमेंट को डेफिनेटली परस्यू करना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें आपको हजारों मौके मिलेंगे लोगों की लाइफ के लिए कुछ काम करने का, लोगों के लिए कुछ काम करने का, राइट। तो पहला पॉइंट हमारा वही है कि द कैंडिडेट हु हैव द करेज एंड डेयर टू फाइट फॉर क्रिटिकल सिचुएशन सच एज फायर, राइट। तो वही है कि कई बार आपको लाइफ में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करने होंगे, तो अगर आपके पास वो करेज है तो आप इस डिपार्टमेंट को ले सकते हो। क्योंकि मान लो कहीं पे फैक्ट्री में आग लग गई है और आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होता है। तो अगर आप तैयार हो, आपके अंदर वो करेज है, तो आप डेफिनेटली इस चीज के लिए जा सकते हो। एंड आई विल सजेस्ट यार कि ऐसे मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सको, आपके काम की वजह से सोसाइटी में कुछ इम्पैक्टफुल वैल्यू एडिशन हो सके, दैट इज अ ग्रेट फीलिंग, राइट। तो ये एक अच्छी चीज है, मैं नहीं बोलूंगा कि आप ये लो, मैं सारे पॉजिटिव प्रोज एंड कॉन्स आपको डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद डिसीजन आपके ऊपर आएगा कि आप सारे पैरामीटर्स को सोचो समझो उसके बाद डिसाइड करो, ठीक है। दूसरा होता है कि वैसे लोग जो कि टीचिंग या फिर लेक्चरर बनना चाहते हैं, ठीक है, टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं और सोशल डिफेंस में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, इतना समझ में आया, लेकिन अब मेरे अंदर पर्सनल स्किल क्या क्या होनी चाहिए। तो देखो, पहला चीज होता है आपका कि आपके पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपको होगा कि लोगों के माइंड को आपको मैनिपुलेट करना होगा, सिचुएशन ऐसे होगी कि मान लो बहुत आग लगी हुई है, आपको लोगों को कन्विंस करना है, तो आपके पास एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए ताकि आप लोगों को समझा सको, उनकी बातों को समझ सको, राइट। दूसरा होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, ठीक है, स्किल्स इन इवैल्यूएटिंग सिचुएशन, मेकिंग क्विक डिसीजन, सॉल्विंग प्रॉब्लम। कई बार आपको होगा कि बहुत जल्द आपको डिसीजन लेना है, तो वो सारी एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बच्चों में अभी से ही एबिलिटी होती, नहीं, वो आप प्रोसेस होता है, वो आप कोर्स के दौरान आपके अंदर धीरे 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 करके डेवलप हो जाएगी, ठीक है। एंड द अदर क्वालिटी इंक्लूड फिजिकल एबिलिटी, द प्रेजेंस ऑफ माइंड, द कामनेस ऑफ माइंड, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप क्वालिटीज, राइट। इतना समझ में आ रहा है, ओके। कहीं पे भी डाउट हो कॉमेंट सेक्शन में बताना, हम ट्राई करेंगे आपको समझा देने का, ठीक है। अब कोर्स डिटेल के ऊपर बात करते हैं कि मान लो मैंने ये ब्रांच ले लिया तो मुझे डिग्री किस चीज की मिलेगी 4 साल के बाद। तो देखो, आपको बैचलर्स की डिग्री मिलेगी, ठीक है, क्यूसेट से अगर कर रहे हो या फिर कहीं से भी करोगे, और क्योंकि आप बीटेक कर रहे हो तो आपको बैचलर्स की डिग्री मिलती है। कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि बीटेक है तो जनरली 4 साल का कोर्स ही होता है। एवरेज फी अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो 1-3 लाख पर ईयर तक आपका वैरी करता है, ठीक है। और क्यूसेट की अगर हम बात करें तो 47,000 पर सेमेस्टर है, तो उसमें भी आपका लगभग 1 लाख पर ईयर लग ही जाएगा आपका, ठीक है। और अगर मान लो कि आप बैचलर्स डिग्री नहीं करना चाहते हो, तो आपके पास कुछ सिमिलर ऑप्शंस होते हैं जिससे कि आप सेफ्टी एंड फायर इंजीनियर ले सकते हो, लाइक आप डिप्लोमा कर सकते हो या फिर आप बीएससी कर सकते हो सेफ्टी एंड फायर, ठीक है। एवरेज सैलरी कितना ऑफर होगा आपका, तो 2.5 लाख एवरेज होता है, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चे को 2.5-3 लाख ही मिलता है, नहीं, ये आपका 15-18 लाख तक भी जाता है और 2 लाख तक भी आता है, ठीक है, बट ये ऑन एन एवरेज है कि आपको 3 लाख तक की सैलरी मिलती है इस डिपार्टमेंट में। अब सवाल है कि ओके, मैंने अगर जॉब ले लिया तो मेरी जॉब में इंप्लॉयमेंट रोल्स क्या क्या होंगे, मेरे को किस पोस्ट पे जॉब मिलती है। तो वो होता है आपका, पहला हो गया फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर आप ज्वाइन कर सकते हो, आप प्लानिंग एंड डिजाइन स्पेशलिस्ट के तौर पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फायर एंड सेफ्टी कंसल्टेंट होता है आपका, सेफ्टी इंस्ट्रक्टर हो गया आपका, सेफ्टी सुपरवाइजर होता है आपका, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर होता है, रिस्क एसेसर होता है। तो ये कुछ आपके इंप्लॉयमेंट रोल्स है, यहां पे आप इस पोस्ट पे जॉब करते हो, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कि ठीक है बट पॉपुलर एग्जाम्स क्या क्या होंगे, किस एग्जाम के थ्रू हम किसी किसी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखो इंडिया में यार बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कुछ सेमी गवर्नमेंट हैं, राइट। तो अगर आप NITs, IITs या फिर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस या फिर कुछ सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस जो कि JEE Mains इन सब के नंबर पे मिलते हैं तो उनमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको JEE Mains का एग्जाम एंड JEE Advanced का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। JEE Advanced से क्या होगा, कुछ IITs या फिर कुछ टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस भी मिलते हैं, तो ये हो गया आपका उसके बारे में। अगर हम QSAT में एडमिशन लेना चाहते हैं हमें QSAT CAT का एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसी तरह से कुछ प्राइवेट कॉलेजेस है जैसे हम कलिंगा यूनिवर्सिटी की बात कर सकते हैं, KIIT या फिर VIT या फिर आपका कॉमेट के थ्रू बहुत सारा कॉलेजेस मिलता है बैंगलोर में, राइट। बिटसेट की बात कर सकते हैं, बिट्स पिलानी की, तो इन सब कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए ये सारे कोर्सेज हैं, लाइक बिटसेट आपका बिट्स पिलानी का हो गया, VIT ट्रिपल ई हो गया VIT का, तो ये सारे एग्जाम के थ्रू आप ये डिपार्टमेंट ले सकते हो, राइट। आई होप कितना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की, तो ये सिर्फ हम QSAT के बारे में बात करेंगे। तो फी स्ट्रक्चर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग स्टेट मेरिट कैंडिडेट के लिए 26,500 दिया हुआ है और ऑल इंडिया मेरिट के लिए 47,000, ये पर सेमेस्टर का होता है, एक साल में आपको लगभग 80-90 हज़ार रुपया लग जाता है, ठीक है। और SC ST वाले बच्चों के लिए बहुत कम लगता है, NRI कोटा के बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा है, 61,765। तो ये रहा आपका फी स्ट्रक्चर सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे कि रीजन व्हाई इज बीटेक सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग कोर्स कैन फेच स्टूडेंट अ रिवार्डिंग कैरियर, ठीक है। तो देखो पहला चीज है कि सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग के जितने भी बच्चे होते हैं यार उनका बहुत ही एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटीज होता है, आपका पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, डिफेंस सर्विसेज हो, आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड वर्क हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो, एयरपोर्ट हो, इन सारे में आपका बहुत ही बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलता है, ठीक है। बहुत सारे PSUs होते हैं जहां पे आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाती है। तो रिसेंटली यार इंडिया की भी बात करो या फिर अब्रॉड की बात करो तो सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। तो जितने भी यार ग्रेजुएट्स थे उनको यार एम्प्लॉयमेंट बहुत सही मिल रही थी और सेफ्टी प्रोफेशनल को आपका सेफ्टी इंस्पेक्टर, फायर सुपरवाइजर, सेफ्टी इंजीनियर, ये सब, ये जितना आप देख रहे हो इन सब पोस्ट पे उनको प्लेसमेंट मिल रही थी, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो आपका डिफेंस फोर्सेज में आपका जॉब होता है, रेलवेज में आपका जॉब होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब होता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में होता है, ठीक है, ONGC हो गया, माइंस हो गया, रिफाइनरीज हो गया, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस हो गया, फायर ब्रिगेड्स हो गया, तो इन जितने भी ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है यार ये आपका गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पे आपका जॉब मिलता है। और चूंकि इंडिया में बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि ये डिपार्टमेंट परस्यू करवाते हैं तो आप देखोगे जितने भी PSUs हैं ना इंडिया में, जितने भी टॉप के PSUs हैं वो डायरेक्टली QSAT में जाते हैं और वहाँ के जितने बच्चे हैं अगर आपका कोई बैकलॉग नहीं है तो आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट वहाँ से मिल जाती है, ठीक है। और चूंकि सेफ्टी जो है वो बहुत ही मेजर कंसर्न है यार, तो जैसे कि आप रिलायंस एनर्जी की बात करोगे तो उन्होंने क्या किया था, अपना प्राइवेट कुछ कुछ इंप्लॉयज हायर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, पर्सनल मतलब इंप्लॉयज हायर करना स्टार्ट कर दिया था। और कुछ कुछ गल्फ कंट्रीज है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा तेल पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में, यू विल गेट लार्जेस्ट स्टोरेज ऑफ ऑयल, तो वहां पे उन्हें फायर सेफ्टी की ऑफिसर्स की बहुत जरूरत होती है और वो सैलरीज भी बहुत ज्यादा देते हैं। आप सैलरीज देखोगे वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, लाइक आपका वो 6 लाख से लेके 15 लाख तक वेरी करता है, ठीक है। तो वही है, ये थोड़ा सा अलग स्ट्रीम है बाकी से, अगर हम डिपार्टमेंट देखें कंप्यूटर साइंस की बात करें, ECE, IT इन सबको देखें तो उससे अलग स्ट्रीम है, बट अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसको डिस्कस करते हैं लास्ट में यार, बहुत सारे पैरामीटर को हम बताएंगे आपको किस तरह से इसको हम सोचेंगे, ठीक है। बीटेक सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग वाइटल इंजीनियरिंग स्ट्रीम, ये हमने बात कर लिया। उसके बाद हाई पेड जॉब रोल्स, स्टूडेंट परस्यू बीटेक सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग कोर्सेज बिकॉज दे आर लाइकली टू गेट हाईली पेड जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर्स, ठीक है। बेसिक सैलरी पे इज 2.16 to 6.34 lakhs पर एनम, राइट। डिमांड इन गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो देयर इज मोर डिमांड फॉर फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग गवर्नमेंट फायर ऑफिसेस, डिवीजन फॉर फायर सेफ्टी ऑफिसर, फायर फाइटर्स, फायर सेफ्टी सुपरवाइजर, फायर सेफ्टी काउंसिलर, ATC, ठीक है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखो तो बीटेक सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग की न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। और कुछ कुछ हमने तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जॉब रोल्स, राइट। तो
ये कुछ जॉब रोल्स है यार कि फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर, फायर एंड सेफ्टी कंसल्टेंट, फायर सेफ्टी ऑफिसर, फायर सेफ्टी इंजीनियर, रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये कुछ आपके सेफ्टी इंस्पेक्टर, ये सारे आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे होते हैं। ठीक है, एवरेज एनुअल सैलरी वैसे जॉब प्रोफाइल की अगर बात करोगे आप तो एवरेज एनुअल सैलरी फायर सेफ्टी ऑफिसर को कितना मिलता है 3.02 ओके, मतलब 300,000 के अप्रॉक्स उनका मिलता है। एडवाइजर को थोड़ा सा जाता है, थोड़ा एज ले जाते हैं वो, यहाँ पे 3.5 से 4 तक जाएगा इनका। फायर इंजीनियर आपका लगभग 4-4.5 तक होगा, फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर आपका 5 तक जाता है, एंड रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो होता है उनका आपका हाईएस्ट सैलरी होता है जो कि आपका 7 से 8 लाख के बीच वैरी करता है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ रहा है। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमने बताया यार कि जॉब पोजिशन, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एवरेज एनुअल सैलरी, इसको हमने बताया है कि जैसे मान लो फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर की बात करें तो उनका क्या काम होता है और उनकी सैलरी कितनी होती है। तो फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर जो होते हैं वो यार आपके एडमिनिस्ट्रिंग, सुपरवाइजिंग, इन सब को, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनकी जो सैलरी होती है वो 4,20,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब वो 4 से 5 के बीच वैरी करती है। फायर सेफ्टी कंसल्टेंट या एडवाइजर का क्या काम होता है, तो उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो वर्क प्लेस है वो मेक श्योर करे कि वो सेफ है काम करने के लिए, राइट। और इनकी सैलरी लगभग 4-4.5 लाख के बीच होती है। फायर सेफ्टी ऑफिसर क्या करते हैं, तो फायर सेफ्टी ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग एंड मेंटेनिंग फायर सेफ्टी फॉर कंपनी और फैसिलिटी, राइट। फायर इंजीनियर का काम क्या होता है, तो फायर इंजीनियर का बेसिकली काम होता है कि आप डिजाइन करते हो फायर डिटेक्शन इक्विपमेंट्स को, अलार्म सिस्टम को, कि मान लो आग लग गई तो एक अलार्म सिस्टम होता है जो कि आपको बताता है, तो वो सारा कुछ डिजाइन करना, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक है, इक्विपमेंट्स बनाना बेसिकली, तो ये होता है हमारा फायर इंजीनियर का काम। और जिस वजह से क्या होता है कि आप डिस्ट्रक्शन से प्रिवेंट कर पाते हो, तो उनकी सैलरी आपका यार 4-5 लाख के बीच लाई करती है। रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंट का सबसे हाई सैलरी होता है और इनका क्या काम होता है कि ये हेल्प करते हैं कंपनी को बाय टॉप लीडरशिप आइडेंटिफाइंग, राइट। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि कोई भी रिस्क अगर आ रहा है तो उस रिस्क ऑपरेशन को ये मॉनिटर करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं कि किस तरह से उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। और दीज रिस्क मे बी ऑपरेशनल, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल और कॉम्प्लायंस रिलेटेड, राइट। और इनकी सैलरी 7-8 लाख के बीच लाई करती है। तो ये हो गया हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एनुअल सैलरी के बारे में। अगला पैरामीटर हमारा है कि सैलरी कितना होता है, तो ये हमें समझ में आया कि इंडिया में आपका एवरेज सैलरी 2.5 से 3 लाख के अप्रॉक्स हो गया। और अगर आप अब्रॉड जा रहे हो तो फ्रेशर जो होते हैं, फ्रेशर बच्चों की सैलरी होती है 18 लाख से 30 लाख के अप्रॉक्स, ठीक है, ये आपका यहाँ तक लाई करता है। और जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनको आपका 30 से 60 लाख पर एनम तक का सैलरी मिलता है। तो बहुत ही तगड़ी सैलरी है, ये आपको अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन ये कब है, जब आप अब्रॉड जाते हो, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा सेफ्टी फाइनेंस टाइप्स ऑफ जॉब प्रोफाइल एंड रिक्रूटर्स, तो हमने ऑलरेडी देखा है। तो अब रिक्रूटर्स किस किस टाइप के होते हैं, तो पहला हो गया हमारा कि फायर डिपार्टमेंट, वो आपको जॉब देती है, आपके रिक्रूटमेंट फायर इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, ठीक है। कंसल्टेंटी इंजीनियर फॉर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में तो ऑब्वियसली हमने बात करा। रिसर्च एंड लेबोरेटरीज, देखो रिसर्च लेबोरेटरीज में भी बहुत जगह आपने सुना होगा कि आग लग जाता है। अभी रिसेंटली हमने सुना कि सेरम इंस्टीट्यूट जो था, कोविड वैक्सीन जहां पे बन रहा था हमारा, उसमें आग लग गई थी। तो आप देख सकते हो कि रिसर्च लेबोरेटरीज, इन सब में भी आपका रिक्रूटमेंट होता है। हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर सेंटर की बात कर सकते हैं, इंश्योरेंस फॉर्म की बात कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर्म्स, तो ये कुछ आपके टॉप रिक्रूटर्स होते हैं जो कि फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर को हायर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि ओके, अब प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो टॉप ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होंगे। सीज फायर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड आपका, सेफेक्स फायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस का आपका हो गया, यूटीसी फायर सिक्योरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेफ प्रो फायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सेफ गार्ड इंडस्ट्रीज, एबीसी फायर इंडिया, ये सब आपका टॉप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको रिक्रूटमेंट करती है। और अगर हम कुछ पीएसयूज की बात करें तो सबसे अच्छा यार आपका इंडियन ऑयल हो गया, एनएचओसी, ये सारा कुछ टॉप रिक्रूटमेंट करते हैं आपका पीएसयूज के थ्रू, राइट। अब ये हमारा लास्ट पैरामीटर है कि, और ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में इतने सारे क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, भैया सीएसई ले या फिर सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग ले, कौन सा बढ़िया है, कौन सा प्लेसमेंट अच्छा है, वो समझा। इसको हम कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के थ्रू समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहला एस्पेक्ट है हमारा इंटरेस्ट। देखो आपका जिसमें इंटरेस्ट है आपको वो ब्रांच परस्यू करना चाहिए,
क्योंकि एट द एंड इंटरेस्ट मैटर करता है, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट यार बहुत अलग है बाकी डिपार्टमेंट से। यहाँ पे क्या है कि आपकी मेंटली तो आपको इन्वॉल्वमेंट होना ही है, आपकी फिजिकल प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा लगेगी, ठीक है। और इसका जो करिकुलम होगा, जो एकेडमिक्स है, वो भी बाकी डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा अलग है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपका बहुत ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है। लेकिन अब आपके काफी बच्चों के कॉमन सवाल होते हैं, भैया इंटरेस्ट तो समझ ही नहीं आता, मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको यार एक छोटे से एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। देखो, इंटरेस्ट जो होता है वो आता है आपके एप्रिसिएशन से। आपने कोई काम किया और आपको उसके बदले में तारीफ मिलती है तो आपको और अच्छा लगता है, आपको मन होता है कि मैं ये इस काम को और करूं, और ज्यादा करूं, ताकि मुझे और लोग अप्रिसिएट करें। एक एग्जांपल ले लो कि मान लो तुम जेई का तैयारी करते थे, ठीक है, वहां आपके किसी टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ गए, तो क्या हो रहा है कि आपके टीचर्स आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके बैचमेट्स आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक प्राइड वाली फीलिंग आती है, एक अच्छी वाइब आती है। तो आपका मन होता है नहीं, मुझे और काम करना है, मेरे को अगर मैथ में अच्छे नंबर है मुझे और मैथ पढ़ना है। तो धीरे 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 करके आपके मैथ में इंटरेस्ट आ जाती है। तो इंटरेस्ट आप इस तरह से समझ सकते हो कि मान लो अगर आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, आपको सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर के साथ खेलना अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली आपको उसमें इंटरेस्ट है, आप ले सकते हो, राइट। और अगर मान लो कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो उस केस में आप सेफ्टी एंड फायर के लिए डेफिनेटली जा सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है जॉब टाइप। देखो समझो, जॉब टाइप से मेरा ये मतलब है कि अगर मान लो आप कंप्यूटर साइंस में हो तो देयर आर हाई चांसेस कि आप 4 साल के बाद किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे होंगे, ठीक है, हाई चांसेस है। एक्सेप्शन अलग है कि मान लो कोई आपने स्टार्टअप कर लिया, आपने खुद का बिजनेस कर लिया, वो अलग चीज है, लेकिन देयर आर हाई चांसेस कि आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में जा रहे होंगे। तो अब कॉर्पोरेट जॉब में क्या होता है कि आपकी एक 9 to 5 की शेड्यूल होती है, आपको एक क्यूबिकल्स के अंदर काम कर रहे होते हो, राइट। मान लो कि किसी कंपनी में आप सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर बन गए, तो क्या होगा कि आप बेसिकली पूरे दिन कोडिंग कर रहे हो और आप एक क्यूबिकल से घिरे हुए हो, ठीक है, और एक 9 to 5 की आपकी शेड्यूल फिक्स हो गई। और वहीं पे अगर हम सेफ्टी एंड फायर को देखें तो उसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चों को यार गवर्नमेंट जॉब मिलती है, मैक्सिमम चांसेस होता है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास थोड़ा प्रेशर कम होगा और प्लस में आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा जो कि आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में उतना ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरा चीज होता है यहाँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर क्या है, टोटली आपका कॉम्पिटिटिव है और मेरिट बेस्ड है। कि अगर मान लो आप एक अच्छे डेवलपर हो तो वहां पे आप सर्वाइव करोगे, लेकिन अगर मान लो आपके पास उतनी स्किल नहीं है तो क्या होगा, आप बहुत जल्दी फायर कर दिए जाओगे कंपनी से। तो दिस इज बेसिकली टोटली डिपेंडेंट ऑन कॉम्पिटिटिव एंड मेरिट बेस्ड। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो क्या है, यहाँ पे एक बार जॉब मिल गई तो बहुत कम चांसेस है कि आपको कोई वहां से निकाल सकता है, ठीक है। तो वो कह सकते हैं कि हाँ, सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर है। अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि आपको कोडिंग करना होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने होते हैं, आपको प्रोग्रामिंग करना है, राइट। जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, एचटीएमएल, ये सारे लैंग्वेजेस वेब डेवलपमेंट के लिए जाते हो आप, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ये सारा कुछ देखते हो। तो बेसिकली क्या है, हमें कोडिंग एनवायरमेंट में घिरे रहना है, ठीक है, कंप्यूटर से में खेलना है, हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर साइंस की बात, बहुत डिटेल होता है बट हम आपको एक जनरल सा आइडिया दे रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस में क्या हो सकता है कि हम ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में हम देख रहे हैं कि आपको सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सारे के थोड़े बहुत बेसिक नॉलेजेस आपको दिए जाएंगे। क्योंकि आपको जब आप साइट पे रहोगे, जब आप ग्राउंड रियलिटी देखोगे, तो वहां पे आपको हर वो चीज काम में आएगा जो कि आपने एकेडमिक्स में सीखा है। तो आपको हर तरह का वहां पे नॉलेज दिया जाता है और मेनली करिकुलम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि आप फायर के अगेंस्ट सेफ्टी के ऊपर आप कुछ नए इन्वेंशंस कर सको, आप कुछ इक्विपमेंट्स बना सको, ठीक है। तो ये हो गई आपके एकेडमिक्स की बात। कॉम्पिटिशन लेवल की अगर हम बात करें यार, तो ये वन ऑफ द मोस्ट पैरामीटर हो सकता है यार। क्योंकि देखो, आज की डेट में अगर आप अपने दोस्त से, किसी दोस्त से पूछो कि तुम कौन सा ब्रांच परस्यू करना चाहते हो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि लोग बोलते हैं कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है, मुझे कंप्यूटर साइंस में ही इंटरेस्ट है। तो अब सोचो, इंडिया में इतने सारे कॉलेजेस हैं, हर किसी को कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, तो वहां पे क्या है, भीड़ बहुत है। लेकिन सेफ्टी एंड फायर की अगर हम बात करें तो बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि ये ब्रांच परस्यू करवाते हैं, ठीक है। और क्यूसेट वन ऑफ द बेस्ट है आपका इस चीज में। तो अगर मान लो कि कहीं पे किसी फायर कंपनी में या फिर किसी पीएसयू में 50 से 60 वैकेंसी आती है, ठीक है, और पूरे इंडिया को अगर हम उठा ले तो
3,000 से 4,000 बच्चे मान लो अप्लाई करने के लिए, तो वहां पे हाई चांसेस है कि आपको वहां पे जॉब इजीली मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि कोई टेक कंपनी है, उनको कोई डेवलपर चाहिए, तो अभी क्या है इंडिया में लाखों बच्चे हैं, 2 लाख 4 लाख बच्चे हैं, और वैकेंसी मान लेते 500 400 या 1,000 है, 5,000 है, तो 5,000 पे 5 लाख बच्चे कम्पीट कर रहे हैं, तो क्या है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत कम हो जाती है, कॉम्पिटिशन बहुत है, भीड़ बहुत है। तो अगर आपने सेफ्टी एम्पायर लिया तो डेफिनेटली आप पहले ही बाजी मार चुके हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया हमारा कि कंपटीशन लेवल के हिसाब से आप देख सकते हो। अब पांचवा पैरामीटर है हमारा सैलरी। तो यहाँ पे हम यार सिर्फ क्यूसेट की बात कर रहे हैं, तो सैलरी की अगर बात करो तो क्यूसेट में यार कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट अगर आप देखो परसेंटेज वाइज, तो वो आपका 90% 95% होता है, और ये सेफ्टी एंड फायर की भी आपका 90-95 की अप्रॉक्सी हो जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज तो ठीक है, ओके, एक जैसा ही है, लेकिन सैलरी जो होती है वो आपका सेफ्टी एंड फायर इंजीनियर में कहीं जाता है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस के, ठीक है। सेफ्टी एंड फायर इंजीनियर में आपको थोड़ी हायर सैलरी मिलती है एज कम्पेयर टू उसके, ठीक है। अब आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि ओके, मुझे कौन सा ब्रांच परस्यू करना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे पैरामीटर डिस्कस किए हैं। एक चीज और रह गया कि आप अपने आप को आफ्टर 10 ईयर्स किस पोजिशन पे देखना चाहते हो। तो देखो, अगर मान लो हमने कंप्यूटर साइंस लिया, 4 साल हमने दबा के पढ़ाई करी, मेरी प्लेसमेंट हो गई, मान लेते छोटी कंपनी में प्लेसमेंट हो गई। अब क्या होता है कि आप डे बाई डे ग्रो करते हो, तो आपने पता चला कि 2-3 साल बाद आपने कंपनी चेंज किया, आपकी कहीं और से ऑफर लेटर आया आपको जो कि हायर सैलरी दे रही है, तो 10 साल बाद आप देखोगे कि आपकी ग्रोथ होते होते चांसेस है कि आप कोई टॉप की मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, इन सब में आपकी जॉब लग जाए। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो यार डेफिनेटली आपकी प्रमोशन तो होती है, लेकिन सैलरी में जो इंक्रीमेंट है वो उतना नहीं हो पाता। जैसे कि आप पता ही है आपको गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, और इंडिया में क्या होता है कि सैलरी में इंक्रीमेंट होता है आपका 10 ± 2%, या तो 10% पे इंक्रीमेंट होता है या फिर 12% पे इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप समझ सकते हो। तो आई होप कि आपको इतना कुछ समझ में आया होगा यार। तो हमने कोशिश की है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करें इस वीडियो में, और भी कुछ अगर रह गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में बताओ, हम सेपरेट वीडियो कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो अब कौन सा ब्रांच लेना है ये आपके ऊपर है, हमने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया अपने एंड से, ठीक है। एंड यार क्यूसेट की ऑप्शन रजिस्ट्रेशन यार 31st तक चलेगी, उसके बाद आपके अलॉटमेंट का सारा प्रोसेस होगा। तो आई वॉज थिंकिंग कि लाइव आते हैं, ठीक है, लाइव इंटरेक्ट करेंगे, आप सबसे बातचीत होगी और सारी चीज़ों को विस्तार में डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी यार तो प्लीज़ लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।